हेलो जी, केम छो तमे? तो ये देखिए, ये पायल का कलर आप देख सकते हैं कितना काला सा हो गया है और ये बिल्कुल खराब सा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये आप देख सकते हैं ये पायल भी किस तरह से हो गया है, इसका भी कलर काफी ज्यादा डाउन हो गया है। और तो अब इसे ना क्लीन करके दिखाते, तो चलिए अब इसे क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के करीब सरफ लिया है और ये मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच बेकिंग सोडा। और यहाँ पर मैं एक ग्लास पानी डाल रही हूँ इसमें। और ये जो सिल्वर फॉइल है, ये मैंने पहले भी रीयूज़ किया हुआ है, उसी में मैंने ये चांदी की जो भी पायल है उसे मैंने लपेट दिया है। और ये मेरी रिंग भी डाल देती हूँ, साथ के साथ ही धुल जाएगा। और इसके बाद हम इसे गैस पर रख देंगे। तो मैंने इसे गैस पर रख दिया है, अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए मीन्स कि उबलने देंगे, जब तक ये जो पानी अच्छे से उबल जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये क्लीन होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए अच्छे से ना उबल चुका है और इसका पानी का कलर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे ना निकाल लेते हैं। तो इसे मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर आपको कोई भी कोलगेट लेना है और मैं इस पे ना इस ब्रश पे कोलगेट लगा दे रही हूँ। इसके बाद ये जो पायल है इसे ले लेते हैं और इस पर कोलगेट लगा देते हैं अच्छे से। और वो जो इसका पानी बचा हुआ था, बस उसी पानी का यूज़ करना है। इसे अच्छे से इस तरह से घसना है और ये इससे काफ़ी अच्छे से ना साफ हो जाता है, काफ़ी अच्छा क्लीन हो जाता है। ये देखिए, इसे अच्छे से ब्रश से रगड़ रगड़ के साफ करना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाए। अगर आप इसमें सिर्फ सरफ और ये सोडा डालकर भी अगर उबालते हैं तो भी कोलगेट से ये साफ हो जाता है, लेकिन अगर सिल्वर फॉइल डालते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा साफ हो जाता है, एक ना अलग सी ना शाइन आ जाती है। तो इसीलिए सिल्वर फॉइल डालना ज़रूरी है। तो ये देखिए, उसी पानी का यूज़ करके इसे अच्छे से रगड़ना है और ये धुल जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना फ़र्क दिखेगा आपको। तो ये ट्रिक एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर चांदी की कोई भी चीज़ पायल हो गई, अंगूठी हो गई, या फिर चांदी के बर्तन वगैरह भी होते हैं, तो उसको भी आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। या चांदी की मूर्तियाँ भी होती है तो उसे भी इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, ये घुंघरू को भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। और ये ना पायल रखे रखे भी ना कई बार ना इस तरह से हो जाती है, तो क्या करें ना, अगर आप पायल को पर्स वगैरह इस तरह से रखते हैं, डिब्बे वगैरह में जो सुनार के होते हैं, तो उसमें ना रख कर पायल को पहले प्लास्टिक के उसमें रखें, उसके बाद प्लास्टिक की पन्नी जो आती है पहले उसमें रखें, उसके बाद किसी चीज़ में रखें, तो वो जल्दी काला नहीं पड़ता है। और ऐसा सुनार ने ही बताया था कि पायल या फिर चांदी की कोई भी चीज़ें हो तो उसे प्लास्टिक के पन्नी में पहले रखें, उसके बाद आप कहीं भी रखें तो जल्दी काला नहीं होता है। तो ये देखिए, ये एक पायल जो है इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और मेरे हाथ का ये कलर भी देख सकते हैं। और ये देखिए, ये क्लीन किया है और ये बिना क्लीन वाला है, फर्क आपको अभी नज़र आ ही रहा होगा। तो इसे भी क्लीन कर लेते हैं। और जो दूसरी पायल थी ये, इसे भी कर लेते हैं क्लीन। बाकी मैं इस पायल में लगा देती हूँ। और ये वाला जो पायल है ये पतली सी है जो कि पहनने में काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, तो ये थोड़ी ब्लैक हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसे क्लीन भी कर लेते हैं। और काफ़ी थोड़ा सा टाइम भी हो गया था, इस तरह की मैंने वीडियोस भी नहीं बनाई थी, तो सोचा ये काम भी अपना हो जाएगा। तो इसे भी क्लीन करके मैं दिखा देती हूँ।
ये भी काफ़ी अच्छा क्लीन हो जाएगा। आप इस तरह से ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी भी क्लीन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चांदी ही क्लीन होता है, ऑक्सीडाइज की ज्वेलरीज भी आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो सभी के पास होती ही है, और वो भी कई बार ना काली पड़ जाती है, जैसे इयर रिंग वगैरह हो गया, तो उसे भी क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। और मेरी वीडियो में मेरे छुटकू की आवाज़ तो आती ही आती है, तो वो ज़रूर बोलता है, वो अभी मेरे पास में ही खड़ा है, इसीलिए उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो ये देखिए, ये और तो दूसरा है, ये मैं दिखा दूँ, इसमें भी आपको फर्क दिख रहा होगा। और ये मेरी रिंग, और ये मेरी रिंग को भी चमका लेते हैं। हालांकि ये मेरी रिंग तो धुलती ही रहती है, और ये देखिए आप बिछिया वगैरह भी इसी तरह से धो सकते हैं, सारी चीजें जो भी चांदी की हो या ऑक्सीडाइज की हो। तो चलिए बाकी का मैं पूरा वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने मेरी रिंग कितनी अच्छी चमक रही है, बिल्कुल बिल्कुल एक अच्छे से शाइन आ चुकी है, और ये हमारे पायल भी क्लीन हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइन आ गई है इसमें, और पहले से ज़्यादा अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। तो क्लीन से पहनने पहले वाला क्लिप भी मैं लगा देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है, ज़रा से भी हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर कर दें। एंड अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।